बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं बहुत अच्छी सी और देसी स्टाइल की रेसिपी आप लोगों से शेयर करूंगी। आज हम बनाएंगे फ्राई माज दाल। सबसे पहले मैं लूंगी ऑयल, आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। यहाँ मैंने हाफ कप ऑयल डाला है। अब सबसे पहले इसमें मैं चॉप्ड अनियन ऐड करूंगी। तो मैंने एक बड़े साइज की प्याज ली है, उसको बारीक चॉप कर लिया है ताकि हमें भूनने में मसाला आसानी हो। इसको हम करेंगे लाइट गोल्डन, बहुत ज़्यादा गोल्डन हमें नहीं करनी है प्याज। हाफ हमारी प्याज होने लगी है और अब हम डालेंगे 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे फ्रेश, मैंने फ्रेश किया हुआ कद्दूकस किया हुआ लहसुन अदरक, इसको हम मिला लेंगे। और ये हमारी प्याज लाइट हो गई है, अब फ्लेम हम बहुत स्लो कर देंगे। अब साथ ही थोड़ा सा अरोमा आने लगा है तो ग्रीन चिली ऐड करेंगे, इसको भी इसके साथ मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर मैंने 2 बड़े टमाटर डाले चॉप हुए हुए, इसको हम करेंगे मिक्स। और थोड़ा सा हम मीडियम हाई फ्लेम करेंगे और इसको पकाएंगे। बहुत मज़ेदार ढाबा स्टाइल की दाल बनती है, परफेक्ट, बिल्कुल घर में ज़रूर ट्राई करिएगा आप लोग। अब हम डालेंगे ड्राई मसाले, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून भर के रेड चिली पाउडर। फ्लेम को अब कम करेंगे ताकि हमारा मसाला भी ना जले। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। अब हम सॉल्ट ऐड करेंगे, तो सॉल्ट आप अपने हिसाब से ऐड करिएगा। हाफ कप इसमें हम पानी ऐड करेंगे ताकि अच्छा सा मसाला हमारा पक जाए और जो टमाटर हैं वो अच्छे से घुल जाएं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो मेन इसका टेस्ट आता है, तो 1 टेबलस्पून चाट मसाला। अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा करना हो तो रेड चिली पाउडर आप ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। बस अच्छे से मसाले को अब भूनेंगे हम, जब तक मसाला तेल छोड़ता है अच्छे से भून जाएगा। तो उसके बाद हम इसके अंदर दाल ऐड करेंगे। अच्छे से मसाले ने तेल छोड़ दिया है, फ्लेम हम स्लो करेंगे और अब हम दाल शामिल करेंगे। तो दाल मैंने यहाँ पे बॉईल की हुई थी, 4 से 5 घंटे मैंने इसे भिगो के रखा था दाल को, और उसके बाद खुले पानी में इसको बॉईल कर लिया था। ऊपर से जो झाग निकले थे वो सारे फेंक दिए थे। और जब दाल 70% हमारी गल गई तो उसके बाद मैंने इसको छन्ने में छान लिया था। ठीक है, इससे बिल्कुल परफेक्ट आपकी दाल बॉईल होती है। ऐसा ना हो कि आप पकाएं, 70% पकाने का मकसद यह है कि जब इसमें भी पकेगी तो उसमें हमारी दाल बिल्कुल घुले ना, खड़ी खड़ी रहती है। ढाबा स्टाइल की आप लोग अगर ट्राई करते हैं तो ये देखें। अब हम फ्लेम को थोड़ा सा हाई करेंगे और साथ ही हाफ कप पानी ऐड करेंगे और इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। अगर इस तरीके से आप दाल को बॉईल करेंगे, बहुत से लोग होते हैं कि मसाले में दाल डाल के और पानी डाल के तो फिर ही पकाते हैं, लेकिन मेरा ये स्टाइल है कि मैं अलग-अलग से बॉईल करती हूँ, इससे बिल्कुल परफेक्ट दाल बनती है। हाफ कप मैंने पानी डाला था, थोड़ा सा और मैंने इसके अंदर पानी ऐड करा है। अब हम डालेंगे सूखी मेथी, तकरीबन 1 टेबल स्पून जितनी। तो आप पानी कम रखिएगा, अगर भुनी भुनी चाहिए, मुझे बिल्कुल भुनी भुनी नहीं चाहिए, हल्की सी मुझे वैसी चाहिए। देखें 70% दाल गलाने का ये फ़ायदा होता है कि आप जैसे भी दाल को पकाएंगे तो ये घुलेगी नहीं माश की दाल। और यकीन करें इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है, बहुत मज़ेदार बनी है। अब हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए कवर करके लो फ्लेम पे छोड़ देंगे, ठीक है। और अगर आप भुनी रखें तो फिर बिल्कुल दम वाली आंच पे इसको आप छोड़ दिएगा 5 से 7 मिनट्स,
उसके बाद आपकी दाल रेडी हो जाएगी। माशाल्लाह से दाल बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल परफेक्ट बनी है, ऑयल भी इसके अंदर ज़्यादा नहीं है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे सबसे लास्ट में बारीक कटी हुई अदरक, और अगर आपको अदरक ना पसंद हो तो बिल्कुल थोड़ी सी ऐड कर दें। हरा धनिया, और इसमें मैं ऐड करूंगी तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून मक्खन, और अगेन मैं इसको 2 to 3 मिनट कवर करके छोड़ दूंगी और फ्लेम ऑफ कर दूंगी, तो उसके बाद फिर सर्व करके आपको दिखाऊंगी। माशाल्लाह से ढाबा स्टाइल माज दाल फ्राई हमारी बिल्कुल रेडी है। ज़रूर ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और यहाँ मैंने इस साइज़ का बोल लिया था, नॉर्मली जो हमारा बोल होता है, तो ये मैंने एक प्याली दाल ली थी। ज़रूर ट्राई करिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मैं आऊँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।